आज हम लोग रासायनिक सहयोग के नियम देखेंगे। रासायनिक सहयोग के नियम अभिक्रियाओं के परिणाम का परिणात्मक निर्धारण स्पष्ट करता है। इसे विभिन्न भागों में इसे अपने अपने वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार चार पांच नियम दिए हैं। पहला है द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता इस नियम को सर्वप्रथम 1756 ईस्वी में लेवाजिए ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों के योग का बराबर होता है। इसमें पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है या रासायनिक क्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है जैसे उदाहरण के लिए MgO2। ठीक, यह है द्रव्य संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम। इस नियम को सर्वप्रथम 1756 में लेवाजिए ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों के योग के बराबर होता है। इसमें पदार्थ को न नष्ट किया जा सकता है और रासायनिक क्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए Mg+O2, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितने हैं O है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2 तो लगा दिए, लेकिन यहाँ Mg, फिर यहाँ 2 Mg हो गया, यहाँ 1 Mg है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 Mg। तो ये क्रिया बराबर हो गई। अब इससे हम देखेंगे
जैसे देखेंगे यहाँ एम जी टू है, यहाँ भी टू एम जी है, यहाँ ओ टू टू है, तो यहाँ भी टू है। इसे स्पष्ट होता है कि अगर हम आपस में भी क्रिया कराते हैं तो जो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो भी इसके योग के बराबर होता है। जैसे एक अलग उदाहरण से हम समझेंगे, मान लीजिए दो फरक नली है, दो परख नली है, सॉरी, दो परख नली है। इसमें हम फर्स्ट परख नली में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और दूसरे में पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं और इसका इसको हम कार की सहायता से इसका मुंह बंद कर देते हैं और इन दोनों में आपस में क्रिया कराते हैं, क्रिया दोनों को आपस में हिला हिला के मिला के जैसे भी क्रिया कराते हैं। तो ये इन दोनों का जो भार है, इन दोनों का जैसे AgNO3 का जो भार है, जो KCl का भार है, वो दोनों का भार जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है, उससे उत्पाद क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके बराबर होता है। जैसे इन दोनों को अगर हम मान सपोज करिए AgNO3 प्लस KCl की क्रिया कराते हैं तो उससे क्या उत्पाद मिलता है, AgCl, और जो इसका इन दोनों का भार का जो योग है इसके बराबर होता है। ये है द्रव्य संरक्षण का नियम। इससे स्पष्ट होता है कि न तो हम पदार्थ को पुनः बना सकते हैं और न ही न किसी भी रासायनिक विधि से हम उसे नष्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाने पर, ऑक्सीजन मिलाने पर 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? यह रासायनिक संयोजन के यहाँ लिख देते हैं, यह रासायनिक संयोजन के किस नियम का पुष्टि पुष्टि करता है। ठीक, ये उदाहरण है, इसको आपको बताना है कि मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। ये रासायनिक संयोजन का किस नियम की पुष्टि करता है? सर्वप्रथम हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2 ग्राम, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम। जब इन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं या मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2 + 16 = 18, 18 ग्राम प्राप्त होता है, जो कि इसमें बताया ही गया है कि 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो ये 18 ग्राम H2O जल, 18 ग्राम और ये 18 ग्राम, दोनों 18 ग्राम मिल गए, मतलब ये क्या होता है कि ये रासायनिक द्रव्य संरक्षण के नियम का पुष्टि करता है। एक बार दोबारा से समझा देते हैं, द्रव्य संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का इस नियम को सर्वप्रथम 1756 में लेवाजिए ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या आप सबसे आसान इससे समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या इससे भी आप समझ सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं। जैसे ये हो गया, इसमें क्या मिला है, KCl, और इसमें क्या मिला है, AgNO3। ये दोनों क्या कर अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
पदार्थों की मात्राओं का योग, और इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो इससे जो बनता है, क्या बनता है, AgCl, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया में न तो हम, जैसे एक और एग्जांपल है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन में 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाने पर 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। यह रासायनिक संयोजन के किस नियम की पुष्टि, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। 2 ग्राम हाइड्रोजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाने पर, जैसे हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 ग्राम मिला देते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाने से तो जल प्राप्त होता ही है, H2O, जिसे हम जल कहते हैं, ठीक। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम, इन दोनों को मिलाएं, मिलाना मतलब जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हो गया, 18 ग्राम प्राप्त हो गया, जो कि बताया है कि 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। जो 18 ग्राम जल मिल गया है तो ये रासायनिक द्रव्य संरक्षण के नियम का पुष्टि करता है, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम को, इस नियम को 1799 में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। इस नियम को 1799 विश्व में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के क्या, इसमें आप समझ सकते हैं स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात। निश्चित मतलब कोई भी अनुपात निश्चित हो, जैसे अगर 1/2 है, 1:2 है, तो 1:2 है तो हर जगह ही 1:2 होना चाहिए। 2:1 है तो कहीं भी हम इसे प्राप्त करें तो 2:1 ही प्राप्त होना चाहिए। ये होता है निश्चित, मतलब निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित न हो। तो इस नियम को सतत प्राउस ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया है, ठीक, किसी भी स्रोतों से प्राप्त किया गया, जैसे जल, H2O जल। चलो फिर से देखते हैं। इस नियम को 1799 में प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे यौगिक किसी भी स्रोतों से प्राप्त किया गया हो। आप परिभाषा को अच्छे से समझें।
किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व, मान लीजिए यौगिक है H2, किसी H2O जल, जल क्या है, ये यौगिक है, उसके अवयवी तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं, कौन कौन से तत्वों का जो परमाणु कौन कौन सा है, H और O, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व भाग लिए हैं, और अनुसार सदैव निश्चित भार के अनुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। हम इसका भार निकालेंगे या परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, भार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2O है, इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, परमाणु भार या द्रव्यमान कह सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका परमाणु भार क्या होगा, 2, ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 16। ठीक, ये हो गया आपका। अब बोला है सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं चाहे यौगिक किसी भी स्रोतों से। अब आप जैसे जल को अनुपात 2:1, इसको जब हम काट देंगे तो इसको 1:8 ऐसे लिख सकते हैं, या आप 2:1 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O 2:1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। आप किसी भी स्रोत से कहीं से भी अगर आप जल लेके आएंगे तो उसका जो हाइड्रोजन का जो भार है वो 2 ही रहेगा, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है, जो अणु है हाइड्रोजन का 2 अणु, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ये 2:1 ही हर जगह के स्रोत, कहीं से भी आप पानी लाए, कुआं से, नदी से, तालाब से, कहीं से भी, देश विदेश कहीं से भी आप पानी लाएंगे तो उसमें कौन सा अनुपात पाया जाएगा, 2:1 ही प्राप्त होगा। ये किस नियम की पुष्टि करता है, स्थिर अनुपात सदैव निश्चित अनुपात में पाया जाता है। आप कहीं से भी पानी लाइए, ये 2:1 ही रहेगा, 3:1 नहीं होगा, H3O नहीं हो पाएगा, H4O नहीं होगा। तो जैसे इसका अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकाल के देखें तो 1:1:8, हर जगह आप कहीं का भी पानी लाएंगे उसका द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या आएगा, आपको 1:8 ही प्राप्त होगा। जैसे आप अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया NH3, आप NH3 आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से क्रिया कराइए तो अमोनिया का जो उत्पाद है, अमोनिया जो प्राप्त होगा वो N नाइट्रोजन 1/3 परमाणु क्रमांक के अनुसार, और आप द्रव्यमान के अनुसार निकालेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का 14:3 यही प्राप्त होगा आपको। कहीं से भी आप प्राप्त करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तीसरा नंबर है गुणित, गुणित मतलब गुणा, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात, या इसको आप सरल बोल सकते हैं, सरल अनुपात का नियम। आगे देखते हैं इसके बारे में, गुणित आप समझ ही सकते हैं, गुणित अनुपात, गुणित मतलब किसी भी संख्या से बार बार गुणा करते रहें तो सरल अनुपात में प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम। इस नियम को अठारह सौ तीन ईस्वी में कौन, जॉन डाल्टन ने दिए थे, जॉन डाल्टन ने प्रति आपको समझने में दिक्कत ना हो, प्रतिपादित गुणित अनुपात, इस नियम को 1883 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किए थे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग या संयोजन, कुछ भी कर सकते हैं, या मिलावट,
जब दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं तो दो या दो से तो दो या दो से अधिक अधिक यौगिक तत्व तो आपस में क्रिया करके यौगिक ही बनाते हैं, मिश्र भी बना सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक आप अधिक यौगिक बनाते हैं तब तब एक तत्व का भार एक क्या लिख रहे हैं यार एक तत्व का भिन्न भिन्न दूसरे तत्व के एक तत्व का भिन्न भिन्न दूसरे तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो सरल अनुपात में प्राप्त जैसे जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जब सी को O2 से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं O2 1/2 O2 से तो क्या प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन को जब O2 से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बोला है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं कार्बन जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं मतलब मिलते हैं दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं जैसे एक यौगिक बना तब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जैसे कार्बन तो निश्चित है, ये कहीं चेंज ही नहीं हुआ है, ऑक्सीजन चेंज हो गया, यहाँ 1/2 O2 था, यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो भिन्न भिन्न अब भिन्न भिन्न ये हुआ एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान। ये दूसरा तत्व है इसका निश्चित द्रव्यमान है क्या, जैसे ये क्या है, क्या बोला गया है इसमें, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो तत्व आपस में संयोग करते हैं मिल रहे हैं दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं दो या दो से इसके और आगे भी यौगिक बना सकते हैं ये, तब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान ये जो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है ये देख रहे हैं आप, यहाँ ऑक्सीजन कुछ और है तो इसका जब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, ये दूसरा तत्व है जो कि इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसमें कार्बन जितना है 1 कार्बन है तो 1 कार्बन में ही है, इसमें 2-3 कार्बन नहीं हुआ है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तब भिन्न
जो यौगिक प्राप्त होता है निश्चित व सहयोग करता है तो सरल अनुपात में प्राप्त होता है। अब इसको हम आगे देखते हैं सरल अनुपात कैसे प्राप्त होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम देंगे तो कार्बन वन, कार्बन कितना है, वन कार्बन है, वन अनुपात ऑक्सीजन वन है, और इसमें कितना है वन CO2, वन अनुपात दो, इसमें अनुपात है ये कार्बन ऑक्सीजन वन अनुपात वन और CO2 वन अनुपात दो। ये तो भार के अनुसार हुआ, सॉरी क्रमांक। अब इसका अगर भार निकालेंगे हम आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होगा, कार्बन 6 × 12, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 16 × 32, ऑक्सीजन का कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, उसका परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 8 तो 16। और दूसरे में देखते हैं CO2, कार्बन 12 अनुपात 16 × 32। अब हम इसमें मिलाएंगे, देखेंगे कि ये तो निश्चित द्रव्यमान है, ये जो है ये निश्चित द्रव्यमान है, ये और ये जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान प्राप्त हुए हैं इसका अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात में आएगा। सरल अनुपात जैसे आप इसको निकाल दीजिए 16 × 32, क्या काट दीजिए इसको 8 2 से काट दीजिए, कुछ भी काट दीजिए, 16 × 16 × 32 किस में प्राप्त हुआ, एक सरल अनुपात में प्राप्त हुआ, 1 × 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरल अनुपात। ये इससे आप समझ में आ जाना चाहिए आपको, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में कितने परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो 16 × 32। ये तो निश्चित का तो हम छुएंगे नहीं, अनिश्चित द्रव्यमान का निकालेंगे, तो अनिश्चित द्रव्यमान क्या है 16 × 32। अब हम इसको सरल कर देंगे तो 1 × 2, जब 1 × 2 प्राप्त हो गया तो 21 अनुपात का हो गया, सरल अनुपात में प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल एक और हम बता देते हैं, अगला उदाहरण है एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर 5 ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर कितने ऑक्साइड बनाते हैं, 5 ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है NO, फिर है N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 5 ऑक्साइड बनाता है, ये 5 ऑक्साइड आपको दिया गया है। इसका अनुपात निकाल के आपको समझ में आएगा कि क्या ये गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। सर्वप्रथम हम नाइट्रोजन का क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना होगा 14 × 28 अनुपात 16, और इसे 28 × 16। नाइट्रोजन NO का क्या होगा, एन का होगा 14 × 7 = 14 इसका होगा आपका ऑक्सीजन का 16, इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 × 28 ऑक्सीजन का 16 × 32 = 48, ये हो जाएगा आपका 28, और ये हो जाएगा आपका 16 × 64, और ये होगा आपका 28 × 16 = 80। N2O, N का N नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या आएगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान 14 होगा, कितने नाइट्रोजन है 2, तो 14 × 28 ऑक्सीजन का 16, और ये नाइट्रोजन अकेला है तो इसका 14 होगा, ऑक्सीजन 16 होगा, इसका 14 × 28 2 है तो 14 × 28 16 × 48, और इसका हो जाएगा 28 N2 × 28 ही है, और 16 × 64 16 × 5 80 हो गया। अब हम ये तो जो निश्चित है, अब इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ये आपको अनिश्चित दिख रहा है, इसमें जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगा 28 अनुपाते 32,
क्या मिलेगा, 28:32। जब हम इसको काट देंगे तो फिर मुझे यही प्राप्त हो जाएगा, 14 × 28 = 16 × 32। तो आपको समझने के लिए हम 2 का गुणा कर सकते हैं, तो ये हो गया 28:32। अब हम देखेंगे कि ये 28, 28, 28, 28, 28, ये 28, 28 जो है ये निश्चित अनुपात है, ये जो 28, 28, 28 है ये निश्चित अनुपात है। अब अनिश्चित अनुपात जैसे ये हो गया इसका 16, 32, 48, 64, 80, इसको समझेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 16 × 32 · 48 · 64 · 80। जब हम इसको सरल करेंगे 16 × 16 = 32 · 48 · 64 = 64 × 5 = 80 किस अनुपात में प्राप्त हुआ, 1:2, 3:4, 5। इससे क्या होगा, एक सरल अनुपात है, एक सरल अनुपात है जो गुणित अनुपात भी है कि सबका लाइन से किसी भी उसी संख्या का बार बार गुणा हो रहा है, क्रमशः गुणा हो रहा है, तो ये क्या होगा, गुणित अनुपात का नियम। पहले 2 से किया 3 से किया 1 से किया 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये क्या हुआ, गुणित अनुपात का नियम हुआ और एक सरल अनुपात में प्राप्त हुआ है। ये हो गया गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया कराते हैं तो ये 5 ऑक्साइड बनाए हैं, 5 ऑक्साइड में नाइट्रोजन N2O, N2O का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, उसका द्रव्यमान 7 × 14 होता है। अब उसका जो कितने अणु हैं तो 2 हैं, तो 14 × 28, ऑक्सीजन का 16, इसी तरह ये निकाल लिए हैं हम। अब हम निश्चित अनुपात तो ये है, इसका सबका निश्चित है 28, 28, 28, 28, 28। अनिश्चित है 16, 32, 48, 64, 80, इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसको सरल करेंगे तो 16 × 16 = 32 / 48 / 64 / 64 / 5 = 80। सरल और गुणित में प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, सरल या गुणित अनुपात का नियम।